मनासा तहसील सहित आसपास के कई गांव में हुई तेज बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर भी है तो कई किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। इस पानी से रबी की फसल, चने की फसल और गेहूं की फसल में फायदा होगा और पानी की कमी को देखते हुए बारिश से अफीम की फसल में नुकसान होगा। नुकसान ठंड के प्रकोप से फसलों में 70% हो गया है। वहीं आज की बारिश से कुछ फायदा होगा। आज शाम से मौसम ने करवट ली है और कई इलाकों में बारिश बेमौसम बरसने के साथ ही कई किसानों के चेहरे पर खुशी है तो कई किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। मनासा क्षेत्र में शनिवार को सुबह से ही काले बादल और ठंडी हवाओं का दौर चल रहा था तो वहीं शाम होते होते अचानक बारिश आ गई और किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई तो वहीं कई किसानों के लिए मायूसी भरा दिन है, क्योंकि अभी किसानों ने अपने खेतों में गेहूं, चना, सरसों, धनिया, अफीम आदि फसलों की बुआई कर रखी है और इस साल बारिश कम होने से किसानों की फसलें खराब होने लगी थी। आज हुई बारिश से काफी राहत मिली है। वही इन दिनों किसानों की फसलें जैसे धनिया, सरसों की कटाई का काम चल रहा है और अचानक हुई इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनासा से सबीर बोहरा की रिपोर्ट।